हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज वेरी फाइन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोल देती हूँ कि मैं आजकल रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए रियली वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को मैनेज करने की, जिससे कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए, अब हम आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर। आज हम सीखने वाले हैं 10 न्यू इंग्लिश वर्ड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेडिंग मीन्स द टेक्सटाइल्स एसोसिएटेड विद अ बेड, एग्जाम्पल शीट्स, बेड स्प्रेड्स, ब्लैंकेट्स एंड पीलो केसेस एटसेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है बिग बक्स, मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारा पैसा। अगर आप कहना चाहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, तो आप इसे इस तरह से कहेंगे, ही हैज बिग बक्स। बेड पैन, देखिए एक कंटेनर होता है जो बहुत ही बीमार लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो खुद से टॉयलेट नहीं जा सकते। उन बीमार लोगों के यूरिन और फीसिस को बेड पर ही कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लिंग और ब्लिंग ब्लिंग, इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव ज्वेलरी। ब्लिंग ब्लिंग वर्ड का यूज़ हम फैशनेबल कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यानी कि वो कपड़े जो बहुत शाइनी हो, फैशनेबल हो, और जिनको पहनने से किसी दूसरों की अटेंशन आपकी तरफ जाती हो। यानी कि देखिए, आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बहुत शाइनी क्लोथ्स पहनते हैं, और उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत फैशनेबल भी होते हैं। रीज़न, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उन दूसरों की अटेंशन उनकी तरफ जाए। ब्लडी मैरी, देखिए ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जिसे वोडका और टमाटो जूस को मिक्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड ब्राइडी, ब्राइडी ये एक स्कॉटिश मीट पेस्ट्री होती है। बफे, बुफे, या फिर हम इसे बफेट भी कह सकते हैं। देखिए, एक मील जिसपे लोग अपने आप को खुद खाना सर्व करते हैं। देखिए, बुफे सर्विस से तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो भी सेलिब्रेशन होता है उसमें बुफे सर्विस ही ज़्यादातर होती है। बस बॉय, अ पर्सन हु वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट एंड हुज जॉब इज़ टू क्लियर द डर्टी डिशेज एटसेट्रा। यानी कि वह इंसान जो रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब करता है और जिसका काम बर्तनों को धोना और क्लीनिंग का होता है। ब्रूट, देखिए इस वर्ड का इस्तेमाल हम उस इंसान के लिए करेंगे जो दूसरों को अच्छे से ट्रीट ना करता हो, यानी कि जिसके अंदर दया ना हो। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा इंसान जो सोच समझकर कुछ नहीं करता, केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। और ब्रूट वर्ड का इस्तेमाल हम बड़े और ताकतवर जानवर के लिए भी करते हैं, और ब्रूट वर्ड का इस्तेमाल हम उन चीज़ों के लिए भी करते हैं जो बहुत ऑकवर्ड होती है और अनप्लीजेंट होती है। और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है बर्गलर। देखिए, ये जो वर्ड है ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी बिल्डिंग में अकानूनी रूप से एंटर करता है, और किस लिए? चोरी के लिए। यानी कि साफ सीधे शब्दों में कहें तो चोर के लिए हम बर्गलर वर्ड का यूज़ करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज़ वेरी फाइन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोल देती हूँ कि मैं आजकल रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए रियली वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को मैनेज करने की, जिससे कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो
तो चलिए अब हम आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पर। आज हम सीखने वाले हैं 10 न्यू इंग्लिश वर्ड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेडिंग मीन्स द टेक्सटाइल्स एसोसिएटेड विद अ बेड, एग्जाम्पल शीट्स, बेड स्प्रेड्स, ब्लैंकेट्स एंड पीलो केसेस एटसेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है बिग बक्स, मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारा पैसा। अगर आप कहना चाहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है तो आप इसे इस तरह से कहेंगे, ही हैज बिग बक्स। बेड पैन, देखिए एक कंटेनर होता है जो बहुत ही बीमार लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खुद से टॉयलेट नहीं जा सकते। उन बीमार लोगों के यूरिन और फीसिस को बेड पर ही कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लिंग और ब्लिंग ब्लिंग, इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव ज्वेलरी। ब्लिंग ब्लिंग वर्ड का यूज हम फैशनेबल कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यानी कि वो कपड़े जो बहुत शाइनी हो, फैशनेबल हो और जिनको पहनने से किसी दूसरों की अटेंशन आपकी तरफ जाती हो। यानी कि देखिए आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं वो बहुत शाइनी क्लोथ्स पहनते हैं और उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत फैशनेबल भी होते हैं। रीज़न, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उन दूसरों की अटेंशन उनकी तरफ जाए। ब्लडी मैरी, देखिए ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जिसे वोडका और टमाटो जूस को मिक्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड ब्राइडी, ब्राइडी ये एक स्कॉटिश मीट पेस्ट्री होती है। बफे, बुफे या फिर हम इसे बफेट भी कह सकते हैं। देखिए एक मील जिसपे लोग अपने आप को खुद खाना सर्व करते हैं। देखिए बुफे सर्विस से तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो भी सेलिब्रेशन होता है उसमें बुफे सर्विस ही ज़्यादातर होती है। बस बॉय, अ पर्सन हु वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट एंड हुज जॉब इज़ टू क्लियर द डर्टी डिशेज एटसेट्रा, यानी कि वह इंसान जो रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब करता है और जिसका काम बर्तनों को धोना और क्लीनिंग का होता है। ब्रूट, देखिए इस वर्ड का इस्तेमाल हम उस इंसान के लिए करेंगे जो दूसरों को अच्छे से ट्रीट ना करता हो, यानी कि जिसके अंदर दया ना हो। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा इंसान जो सोच समझकर कुछ नहीं करता, केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। और ब्रूट वर्ड का इस्तेमाल हम बड़े और ताकतवर जानवर के लिए भी करते हैं, और ब्रूट वर्ड का इस्तेमाल हम उन चीज़ों के लिए भी करते हैं जो बहुत ऑकवर्ड होती है और अनप्लीजेंट होती है। और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है बर्गलर। देखिए ये जो वर्ड है ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी बिल्डिंग में अकानूनी रूप से एंटर करता है, और किस लिए? चोरी के लिए। यानी कि साफ सीधे शब्दों में कहें तो चोर के लिए हम बर्गलर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूले। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। हिट कर दीजिए बेल आइकन को जिससे कि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।